हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम टाइम में। मैं हूं प्रशांत कुमार, स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग बात करेंगे बीमा संस्थानों के प्रमुख के बारे में। तो फ्रेंड चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण IRDA। IRDA के फुल फॉर्म याद रखिएगा फ्रेंड, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1999 में। तो इसके अध्यक्ष कौन है? इसके अध्यक्ष हैं सुभाष चंद्र खुंतिया। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, कर्मचारी राज्य बीमा निगम यानी कि ESIC का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। एक बार फिर से, एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। और इसके अध्यक्ष कौन है फ्रेंड? भंडारू दत्तात्रेय। इससे जुड़े हुए कुछ फैक्ट्स हैं, जैसे कि इसकी स्थापना कब हुई थी? 1952 में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1952 में। फ्रेंड आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अगला है भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि LIC। इसका LIC का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा फ्रेंड? लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। और फ्रेंड इसकी स्थापना कब हुई थी? 1956 में। कब हुई थी? 1956 में। और इसकी मुख्यालय की बात करूं फ्रेंड, मुख्यालय इसका कहां पर है? मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन यानी कि GIC, जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, इसके CMD कौन है? इसके CMD हैं एलिस जी वैद्यन। और GIC से जुड़े हुए कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, वो आपको जरूर याद रखने चाहिए, जैसे कि इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 22 नवंबर 1972। और इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। GIC का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। तो फ्रेंड आगे बढ़ते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है OIC यानी ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी, और इसके CMD कौन है फ्रेंड? इसके CMD हैं AV गिरिजा कुमार। कौन है? AV गिरिजा कुमार। और फ्रेंड इससे जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, जैसे कि इसकी स्थापना कब हुई थी? 12 सितंबर 1947। और इसका मुख्यालय कहाँ है फ्रेंड? इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। उसके बाद फ्रेंड आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। और इसकी स्थापना कब हुई फ्रेंड? इसकी स्थापना हुई है 23 जुलाई 1919। और न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के CMD कौन है फ्रेंड? अतुल सहाई। न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के CMD कौन है? अतुल सहाई। और एक बात फ्रेंड इसमें आपको याद रखना है कि इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। तो फ्रेंड आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी। और इसके संयुक्त सचिव कौन है फ्रेंड? इसके संयुक्त सचिव हैं मदनेश कुमार मिश्रा। इसकी स्थापना की बात करूँ तो इसकी स्थापना हुई है 18 फरवरी 1938 को। और इसके मुख्यालय की बात करूं, इसका मुख्यालय है चेन्नई में। यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी का मुख्यालय कहाँ है? चेन्नई में। उस पर आगे बढ़ते हैं। आगे है यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी। और इससे पहले मैंने संयुक्त सचिव की बात की थी, मदनेश कुमार मिश्रा थे। अब इसके निदेशक कौन है? इसके निदेशक हैं विजय श्रीनिवास। यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के निदेशक कौन है? विजय श्रीनिवास। और इसके मुख्यालय की बात मैं कर चुका हूँ, इसके मुख्यालय कहाँ है? चेन्नई में। और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी की स्थापना कब हुई है? 18 फरवरी 1938 को। उसके बाद अगला क्वेश्चन है नेशनल इंश्योरेंस कंपनी NIC। NIC का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा?
नेशनल इंश्योरेंस कंपनी। और इसके अध्यक्ष की बात करूं तो इसके अध्यक्ष हैं के सनत कुमार। नेशनल इंश्योरेंस कंपनी NIC का स्थापना कब हुई थी? 1906 में। और इसका मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता में। NIC का मुख्यालय कहाँ है? तो कोलकाता में। फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है SBI लाइफ, इसको अगर मैं पूरा नाम लूँ SBI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, और इसके MD और CEO कौन है? इसके MD और CEO हैं संजीव नौटियाल। MD और CEO कौन है? संजीव नौटियाल। और इससे जुड़े हुए कुछ फैक्ट्स हैं, जैसे कि इसकी स्थापना कब हुई थी? मार्च 2001 में। SBI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। और इसका मुख्यालय कहाँ है फ्रेंड? इसका मुख्यालय है मुंबई में। तो फ्रेंड ये थे कुछ इम्पोर्टेंट बीमा संस्थानों के प्रमुख, निदेशक, संयुक्त एवं अध्यक्ष। तो फ्रेंड मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो फ्रेंड मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।